हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह इतनी छोटी छोटी ये छिपकलियाँ इतना परेशान करती हैं कि बहुत ज़्यादा। अभी मतलब 5-6 तो हैं और ये क्या सोफा पे आकर बैठ जाती हैं तो दिखती भी नहीं है। इतने परेशान हैं हम इन छोटी वाली छिपकलियों से, ये बच्चों से। ये देखिए, अभी ये एक और न्यू हो गई है। पहले से ही 5 है रूम में। मैं और फ्रेंड्स, अभी बजे हुए शाम के 5:30। आज मैं थोड़ा लेट गई थी तो बस 1-1.5 घंटे तक सोती रही। फिर अभी उठी हूँ मैं 4:45 पर, तो मैंने उठकर चाय वगैरह बनाई है, बर्तन वगैरह साफ किए हुए हैं। और इसके बाद ये आ गए मार्केट से, तो सब्जी लेकर आए हैं। तो मैंने कहा सब्जी और धोकर और डलियों में भर कर रख दूँ कि जिससे उनका पानी निकल जाए, फिर रखूँगी मैं फ्रिज में। तो आइए हम सब्जी को देख लें क्या क्या लेकर आए हैं। ये देखिए, अभी मैंने चोटी वगैरह कुछ भी नहीं की, लेट गई थी ना इसलिए अभी उठी हूँ। तब इसके बाद मुँह हाथ धोकर फिर चोटी वगैरह भी करना है मुझे। और इनको धोकर रख दे रही हूँ डलिया में, और फिर ये सूख जाएगी, इनका पानी निकल जाएगा, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये मिर्ची के डंठल तोड़ दूँगी। कुछ टमाटर अभी लेकर आए, लेकिन तब भी ये देखिए ख़राब आ गए हैं। ये देखिए, कद्दू लेकर आए हैं क्योंकि कल फ्राइडे है, तो कोई खटाई कद्दू भी लेकर आए हैं क्योंकि रिया को कद्दू खाना था। तो बोल रही थी कि आप वो पीला वाला जो येलो होता है वो वाला कद्दू लेकर आना, तो वो कद्दू भी लाए हैं। और कद्दू हम बनाएंगे कल, क्योंकि कल मेरा फ्राइडे भी है, तो टमाटर वगैरह कुछ डालना नहीं है सब्जी में, तो इसीलिए हम कद्दू बनाएंगे कल। और ये गोभी लेकर आए हैं, और करेले, हरी मिर्च, आलू प्याज मैंने रख दिए हैं फ्रिज में, और इनको मैं धोकर रख दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मिर्ची पूरी मैंने निकाल दी है इनके डंठल, और ये 1-2 पहले की बच गई थी, उसके बाद ये आज लेकर आ गए हैं। और ये सब्जी है, अब इसको मैं धोकर रख देती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ मैं। मुँह हाथ धोकर और चोटी वगैरह करनी है मुझे, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये सुबह का वीडियो है, ये 7:15 का। ये गौरी आ गई थी तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा भूसा रख दूँ, ये खा लेगी। और क्योंकि इसके बाद हम करेंगे काऊ मिल्किंग, सुबह सुबह लगा लेती हूँ मैं। जब भी आ जाती, वैसे तो 7:30-7:45 तक आ जाती है, लेकिन कभी कभी ये लेट भी आती है 8 बजे तक। तो मैंने कि अभी आ गई है तो इसको अभी इसका दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि मुनिया भी बहुत आवाज़ लगा रही है अपनी माँ के लिए। तो बस मैंने कि थोड़ा ये खा ले, कुछ तो भूसा रखा हुआ था तो ये खाने लगी। अब इसके बाद हम करेंगे काऊ मिल्किंग। ये मैंने मुनिया को छोड़ दिया है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा तड़प रही है अपनी माँ के लिए, और देख लेती है तो फिर ज़्यादा ही बहुत आवाज़ लगाती है। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए।